अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल डिस्कस किया था और उसपे कुछ सवाल करने के लिए कहे थे बुकलेट से, और एक डाउट आ रहा है बुकलेट का H4। पार्ट वन। अच्छा, यहाँ पे कहा है कि एक डायपोल मोमेंट है P, डायपोल है जिसका वैल्यू है आई कैप प्लस रूट थ्री जे कैप, और इसके कारण फील्ड निकालना है बच्चों। पॉइंट 2,0,0। तो सार्थक ये सवाल क्यों परेशान किया, जबकि हमने कहा है कि कंसेप्ट डिस्कस कर लिए, दिस इज द डायपोल आई कैप एंड दिस इज रूट थ्री जे कैप। दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। क्या ये हिंट सफिशिएंट है या फिर कुछ और कहें? सर, अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स कुछ तो गिवन होते तो कैसे करते? तीनों कोऑर्डिनेट गिवन होता, पहले ये क्लियर? हाँ सर। अब ये डायपोल है और कोई पॉइंट है यहां पे, है ना? सो हमने ये पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताया ही था, एक कंपोनेंट होता है आर कैप के अलोंग और एक कंपोनेंट होता है जे कैप के अलोंग, सॉरी थीटा कैप के अलोंग, यही बताया था ना। देखो ये डायपोल है और ये आर वेक्टर है, तो ये आर वेक्टर दिया हुआ है ना। हाँ सर, समझ में? आर वेक्टर इज गिवन, दैट मीन्स ये डायपोल और ये थीटा इज गिवन। तो डायपोल से किसी एंगुलर पोजिशन पे, मतलब ये थीटा, और कहोगे सर कैसे निकालेंगे एंगल दोनों का, तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने तो आता ही है ये और ये। इज इट क्लियर? हाँ सर। तो ये सॉल्व होगा? हो जाएगा सर। ट्राई करो, दिमाग लगाओ थोड़ा, आगे बढ़ते हैं सर। H4 पूछा है पार्ट टू का। अभी पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस नहीं किया है, पोटेंशियल एनर्जी जस्ट डिस्कस करने वाले हैं अथर्व। अथर्व ने पूछा था। तो और कोई कुछ पूछा है? बोलो नयन। सर, जो पोटेंशियल है तो माइनस की बार स्क्वायर, तो उसका वेक्टर सम करना पड़ेगा या स्केलर? सर मैंने एक सवाल दिया था, सॉरी थ्योरी डेवलप किया था बच्चों, कि एक डायपोल है, डायपोल से सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल इज कितना था? केपी बाई आर क्यू, है ना? तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था जिसमें कि इसको डाउट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, क्या बताया था बच्चों? माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप। अगर दो तीन का फंक्शन है एक्स वाई जेड का, लेकिन ये सिर्फ आर का फंक्शन है, तो माइनस डी वी बाई डी आर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा? आर कैप। तो डी वी बाई डी आर करने आता है बच्चों, के पी कॉन्स्टेंट, सॉरी पोटेंशियल आर क्यू नहीं, आर स्क्वायर बोला ना, गलती से क्यों लिखा गया, के पी बाई आर स्क्वायर, ये माइनस। अब बताना यहां पे क्या दिक्कत थी, डिफ्रेंशिएशन करने आता है
ज्ञान पटेल, कहाँ दिक्कत था, क्यों परेशान हो जाते इतना? सर जो बोलो, जो पार्ट वन का एच थ्री है तो उसमें सर वो डिफरेंस बताना है, मतलब इसका पोटेंशियल का पहले ये वर्क क्लियर, डन, तो सर उसमें मतलब हाँ ये सर क्लियर, ये क्लियर है। तूने ये भी डाउट पूछा था ना अभी? यस सर। हाँ तो ये इसमें तो कुछ नहीं होना चाहिए, इससे तो वर्क पावर एनर्जी में भी हमने पढ़ाया। चलो नैन, अब बताओ पार्ट वन, वन का एच थ्री, एच थ्री एच थ्री बोल रहे हो क्या? सर हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत है बताओ? बोलो। सर हम इसमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डेल्टा ही लेंगे ना सर? बच्चों के यहां से लेके गए यहां तक चले गए। तो ए से लेके बी तक जाने में कितना वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को करना पड़ेगा स्लोली ले जाने में? सो हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। नयन पटेल देखना व्हाई यू आर कंफ्यूज्ड, क्यों इतना कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, क्या ये फॉर्मूला आता है नयन? यस सर। क्या इसमें पता है स्लोली ले जाएंगे डेल्टा के जीरो, डेल्टा यू क्यू इंटू डेल्टा वी होता है, डेल्टा वी वी बी माइनस वी ए इनिशियल टू फाइनल, सॉरी फाइनल टू इनिशियल, ये भी आता है पता है? यस सर। यही निकालना है नैन, क्या ये वी वी आता है निकालने? क्या हमें सर कितना होता है वी बी? केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, वी ए भी पता है, तो दिक्कत कहाँ है, वेयर इज द प्रॉब्लम? अब सर्च करो ना कि तुम्हें क्यों परेशान। सर मेरा आंसर, और किसी ने सॉल्व किया आंसर मैच सर मेरे आंसर में अरे कंप्लीट कर दो यार, जो बोल रहे हो कंप्लीट कर दो, चार बार तो सर सर बोलते रहता है फिर आधा में रुक जाता है, क्या हुआ तेरे आंसर में क्या हुआ? सर वो पीछे पीछे रूट टू इंटू केपी बाय ये दिए सर, लेकिन मेरा डायरेक्ट कर रहे तो मतलब ये आ रहा है, टू इंटू आ रहा है सर। कैलकुलेशन मिस्टेक रहा ना तो पिटाई होगी तेरी, ठीक है ना? समझ गया सर, समझ गया। हाँ तो आता सर समझ गया, डंडा लेकर तू रहना तैयार। तो
प्लेसर मिस्टेक्स तुम लोग ना इतने लेजी हो ना, नासिक के बच्चे आजकल के बच्चे जो इतने लेजी होते हैं ना, दोबारा तो देखते ही नहीं कि हम कैलकुलेशन मिस्टेक। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, छोटा सा सवाल है। चलो बच्चों अब हो गया, सारे बच्चे आ गए होंगे, नहीं अभी तक तो नहीं आए, बहुत सारे महान लोग अभी उनका टाइम नहीं हुआ, लॉक कर दें उनको। चलो और भी बहुत सारे मैसेज हैं। सार्थक ने कहा सर आंसर मैच करता है। दर्शना ने बताई H5 अभी बताया था, दर्शना अभी पढ़ाया नहीं है। H4 कहा था सर आपने, H4 तो भी पढ़ा दिया ना, दर्शना पूछ रही थी, दर्शना मैं H5 कराऊंगा है ना। अच्छा पार्ट टू का H5 उसने कहा था, थर्ड ने कहा था पार्ट टू का H5। टॉर का भी डिस्कस नहीं किया तो वो भी डिस्कस करेंगे, H4 H5 भी डिस्कस करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं यार, स्पेशल गेस्ट आते रहेंगे हमारे। बच्चों एक और चीज बता रहा हूं, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, और जनरल पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता दिया था। डायपोल से उसके बाद नेक्स्ट क्या कहा था पढ़ाने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देन हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, दैट मीन्स मैग्नेट में भी सेम डायरेक्शन में भी सेम। और एक बच्चों एक डायपोल रखा है, सपोज डायपोल ऐसे रखा है माइनस क्यू और प्लस क्यू, क्या इस पे फोर्स निकाल सकते हो बच्चों, कितना होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स। जीरो हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया बच्चों। ये प्लस क्यू है तो इस पे फोर्स इधर लगेगा क्यू इंटू ई का, और ये माइनस क्यू है इस पे फोर्स इधर लगेगा क्यू इंटू ई का, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम है, चार्जेज अपोजिट है, सो नेट फोर्स नैन पटेल क्लियर, जीरो हो जाएगा। चाहे डायपोल ऐसे रखें, चाहे ऐसे रखें, चाहे ऐसे रखें, तो हो गया थ्योरी कंप्लीट, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, डजेंट मैटर क्या ओरिएंटेशन है। लेकिन बच्चों इसमें देखे तो क्या कुछ ऐसे छोड़ दिया तो ऐसा ही रहेगा, कुछ होगा चेंज, फोर्स रोटेट होगा, मतलब टॉर्क लग रहा है ना, तो क्या पढ़ना है, टॉर्क पढ़ना है बच्चों, तो लिख लो
टॉर्क ऑन ए डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. सो लेट्स दिस एंगल इज थीटा बच्चों की अभी ना इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच में एंगल थीटा है और सेंटर के अबाउट टॉर्क ले रहे हैं. और बच्चों रोटेशन में हमने ये बात बताई थी कि व्हेन नेट फोर्स ऑन ए बॉडी जीरो तो बॉडी के कोई भी पॉइंट लोगे टॉर्क सेम ही है. चलो तो मैं इस सेंटर के अबाउट में टॉर्क ले रहा हूं बच्चों, तो इसका टॉर्क हो जाएगा बच्चों क्यू ई इंटू दिस डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों डी बाई टू साइन थीटा और इस पे भी देखोगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा सेम. इसको ट्वाइस कर दो क्या, चलो एक बार और लिख लेता हूं और इसका भी डायरेक्शन सेम होगा. यू कैन रियलाइज दिस आर आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ डायरेक्शन सेम इनटू द प्लेन. यहां पे टॉर्क हो गया बच्चों क्यू ई डी साइन थीटा, क्यू इंटू डी हो जाएगा बच्चों पी. क्या लग रहा है बच्चों टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या करूं P dot E या P cross E? P cross E. P cross E. साइन थीटा है ना. अच्छा ये E cross P होगा या P cross E? तो let's check. P cross E into the plane आ रहा. Torque भी हमने देखा into the plane. So this is the result. लिख लो. अच्छा मैंने बता चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल अभी पढ़ा रहे हैं द सिमिलर थिंग विल बी इन द मैग्नेटिज्म बार मैग्नेट. वहां भी बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे टॉर्क जो हो जाएगा वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट बोलेंगे बच्चों और वहां पे बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड तो बता देंगे एम क्रॉस बी और मैं वहां पे इतना बताऊंगा नहीं डायरेक्टली लिख दूंगा कि टॉर्क हो जाएगा एम क्रॉस बी फोर्स हो जाएगा जीरो. क्लियर. व्हेन द टॉर्क विल बी मैक्सिमम बच्चों टॉर्क मैक्सिमम कब होगा जब पी और ई के बीच में कितना एंगल हो 90 डिग्री. बहुत बढ़िया. और कितना टॉर्क होगा मैक्सिमम बच्चों पी इंटू ई टॉर्क मैक्सिमम इज इक्वल टू पी इनटू व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो या 180 डिग्री हो व्हाट विल बी द टॉर्क. जीरो हो जाएगा. अच्छा बच्चों बताना जब टॉर्क जीरो है फोर्स तो जीरो ही है तो क्या ये दोनों पॉइंट इक्विलिब्रियम पोजीशन है क्या. यस सर. ये दोनों पॉइंट क्या है इक्विलिब्रियम पोजीशन. नाउ अगर मैं किसी से पूछूं बच्चों कि ये थीटा इक्वल टू जीरो से थोड़ा सा रोटेट किया थोड़ा सा इसमें टेंडेंसी क्या है बैक लाने का इधर लाने का तो जीरो डिग्री कौन सा इक्विलिब्रियम होगा स्टेबल या अनस्टेबल. स्टेबल. स्टेबल इक्विलिब्रियम. देखो तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो लिखते जाओ. किशोर पाटिल यार ये तो बड़ा आसान सा है. किशोर ने कहा सर इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत टफ जा रहा है. बच्चों जिसको बहुत टफ जा रहा है वो लेक्चर्स को दोबारा देख लें नोट्स को उसी दिन फिर से रिवाइज करें एंड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें. बच्चों थोड़ी डांट पड़ेगी अगर छोटे छोटे मिस्टेक्स किए बट पूछना है डरना नहीं है.
अच्छा स्टेबल इक्विलिब्रियम का यही कहानी होता है कि थोड़ा सा अगर शिफ्ट किया और वापस लाने का टेंडेंसी हो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैन यू रियलाइज कि ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? हाँ देख लो बच्चों, मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूं। ऐसा है सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल जो है ना वो ऐसा है, डायपोल मोमेंट हो गया ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ऐसे था 180 पे तो जीरो था, थोड़ा सा रोटेट किया थोड़ा सा एंगल, देखो इस पे फोर्स इधर लग रहा है क्यूई का और इस पे फोर्स इधर लग रहा है क्यूई का, तो क्या चाह रहा है दूर ले जाना जहां पहले था उससे ज्यादा, ऐसे। सो दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चलो ने टॉर्क डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट वी विल डिस्कस। चलो एक सवाल ले लेते हैं। चलो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक डायपोल है जिसका मास m है और चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू। And this is connected by light rod of length d. है ना? और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से डायपोल को छोटा सा एंगल थीटा रोटेट करके छोड़ दिया गया। प्रूव दैट इट विल परफॉर्म एस इट इज। Prove that it will perform as such. For small theta. Find omega. बच्चों मैं बताता हूं कि 12th के चैप्टर से कितना परसेंट मार्क्स आता है? Around 60. बच्चों ये सवाल आ गया, अब बताओ ये 12th का या 11th का? 11th का, 11th क्योंकि 11th का कहेंगे तो इलेक्ट्रिक डायपोल कहाँ पड़ा है 11th में? अरे बात समझ में, इलेक्ट्रिक डायपोल तो पढ़ा नहीं 11th में, लेकिन 11th का कांसेप्ट मतलब मैं ज्यादा मैक्सिमम कांसेप्ट तो 11th का ही है, बट ये सवाल आ जाएगा 12th के पोर्शन से। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल बच्चों को नहीं पता रहेगा तो शायद ना सॉल्व कर पाए। बच्चों बात ये होती है कि 11th के कंसेप्ट यूज होते हैं 12th में, लेकिन बहुत डेप्थ में नहीं होता है, एक बेसिक लेवल तक तो आता ही है। चलो बच्चों तो आगे बढ़ते हैं। इस पे टॉर्क कितना लिखेंगे? SHM में भी क्या करते हैं बच्चों, इक्विलिब्रियम पोजीशन से थीटा एंगल रोटेट किए, टॉर्क जो आ गया बच्चों P into E into sin थीटा, बट थीटा स्मॉल है तो P into E into थीटा। एंगुलर एक्सेलरेशन अगर लिखना है और रेस्टोरिंग है ही बच्चों, ये तो देख ही लिया P कितना है, Q into D into E डिवाइड बाय व्हाट इज I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम डी स्क्वायर बाय 4 का ट्वाइस, सही लिखा बच्चों, दिस इज ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर 2 क्यू ई डिवाइड बाय एम इंटू डी। आगे बात समझ में, देखो कहां इलेक्ट्रिक फील्ड और कांसेप्ट पूछ लिया एसएचएम का। सर वो थर्ड पे एक बार समझा दो ना, कहां पे वो टाउ के बाद अल्फा वाला, अल्फा टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा होता है ना,
अल्फा इज इक्वल टू क्या करेंगे टाउ अपॉन आई, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ये एम है, ये डिस्टेंस डी बाई टू है प्रथमेश, एम डी बाई टू का स्क्वायर, लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी रिवाइज हो गया इसका भी, तो ट्वाइस, क्लियर? यस सर। चलो बच्चों अभी हम लोग ने टॉर्च में पढ़ लिया, आप बताओ अब क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी है ना, लिख लो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E एंड देयर इज अ डायपोल माइनस Q प्लस Q और अभी थीटा एंगल पे है। बच्चों मुझे बताना है कि अलग अलग ओरिएंटेशंस में इसका क्या पोटेंशियल एनर्जी है, तो हम लोग क्या करते हैं थीटा से छोटा सा एंगल डी थीटा और रोटेट कराते हैं, है ना, तो चेंज इन पोटेंशियल लिखेंगे क्या बच्चों यहाँ पे, निगेटिव ऑफ वर्क डन, यहाँ पे तो टॉर्क लेंगे बच्चों तो क्या लिख सकते हैं निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक टॉर्क, टॉर्क का वर्क डन टाउ इनटू डी थीटा, टॉर्क बच्चों कैसा है इनटू द प्लेन, डी थीटा किधर है आउट ऑफ द प्लेन, टॉर्क और डी थीटा करेंगे टॉर्क हो जाएगा पी इंटू ई इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा और इसका माइनस बिकॉज दोनों के बीच में एंगल 180 और ये माइनस प्लस। बच्चों यहां तक क्लियर? ये माइनस साइन कैसे गया क्लियर, टॉर्क इनटू द प्लेन डी थीटा आउट ऑफ द प्लेन, मुझे निकालना है किसी पर्टिकुलर पोजिशन पे, तो फॉर दैट वी नीड टू टेक रेफरेंस। अब रेफरेंस यहां पे कन्वेंशन लिया गया है बच्चों कि रेफरेंस जो लेते हैं ना वो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे लेते हैं जीरो, तो थीटा जब 90 डिग्री है दिस इज कन्वेंशन टू वी टेक इट जीरो पोटेंशियल एनर्जी और किसी थीटा पे यू है, इन दैट केस यू इज इक्वल टू आ जाएगा पीई और साइन थीटा का क्या आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। नाइनटी टू थीटा बच्चों U आ जाएगा यहां से माइनस PE cos थीटा और cos 90 तो जाएगा जीरो, ये 90 डिग्री है। किसी थीटा पे सो पोटेंशियल एनर्जी एट एनी एंगुलर पोजिशन थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड इट कम्स आउट एज माइनस कैन बी राइट P dot E इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है माइनस P dot E, बच्चों ये ध्यान में रख लो, बट इसमें ध्यान देना है एट थीटा इज इक्वल टू 90 हमने क्या लिया है रेफरेंस जीरो पोटेंशियल एनर्जी का। आज बहुत बच्चे गए हुए 70 प्लस जाता है ना स्ट्रेंथ 62 63। तोहित प्रेजेंट है, विनीत, विनीत समझ में आ रहा है चीजें? यस सर।
दर्शना पोटेंशियल एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी नहीं, क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो पीई कॉस थीटा को अगर डॉट प्रोडक्ट में लिखें तो पी डॉट ई यही हो जाएगा ना, यहां से यहां जा सकते हैं, ऐसे लिखते हैं। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अब सवाल ऐसे दे देता है बच्चों कि एक डायपोल है या डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट जो है पी है और पहले इसमें देख लेते हैं बच्चों सवाल थोड़ी देर में लेते हैं। अगर पूछा जाए व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा इज इक्वल टू जीरो माइनस पी इंटू ई इंटू कॉस जीरो माइनस पी, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा 90 जीरो, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस पी इंटू ई इंटू कॉस 180 डिग्री प्लस पी। कोई बता सकता है वेयर इज द पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम? 180 कभी कभी बच्चे गलती से ये लिख देते हैं जी थीटा 90 पे जो कि जीरो है, गलत। न्यू मिनिमम थीटा जीरो पे होगा, है ना बच्चों? अब बताओ ऐसे भी अगर जानते हैं एनर्जी के टर्म में भी देखो तो जहां स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है वहां पे एनर्जी का क्या होता है? मिनिमा होता है। जहां पे अनस्टेबल होता है वहां पे एनर्जी का मैक्सिमा होता है। तो दिस इज अनस्टेबल एंड दिस इज स्टेबल। तो ऐसा बता सकते हैं कि सबसे मिनिमा थीटा इज इक्वल टू जीरो पे है और जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, थीटा 180 पे क्या है? मैक्सिमम। सो ग्रेटर द थीटा ग्रेटर विल बी पोटेंशियल एनर्जी। कैन वी से दैट? बच्चों आईआईटी का सवाल पूछते हैं, देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों एक ही डायरेक्शन एक्स एक्सिस में लिया है, डायपोल्स का अलग अलग ओरिएंटेशन लिया हूं मैं। बच्चों ये चार और भी एक आध दे सकते हैं बट चार में ही बताओ। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
potential energy of the configurations. बच्चों ये चार कॉन्फ़िगरेशन दिए हैं, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है पोटेंशियल एनर्जी का। कैसे करेंगे बच्चों? लो बच्चों मैसेज किया करो करो। सात बच्चों ने मैसेज किया, क्या बात है यार, तीन बच्चे बढ़ गए। तौहीद कुछ कहना है? सिक्सटी सिक्स बच्चे हो गए, लग रहा है कि आज सेवेंटी पहुंच जाएंगे हम लोग क्लास खत्म होते होते। ओम तुम भी क्लास बड़ा मिस करते हो, अभी बताओ कितने बजे आपकी एंट्री हुई? ओम आज लेट हो गया हूं। आदित्य वानखेड़े समझ में आ रही चीजें? तो जैसे मैंने बोला दो बच्चे निकल लिए, कट लिए, पता नहीं चल जाए कौन लेट आया। चलो बच्चों बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया, इट्स गुड। देखो बच्चों यहाँ पे देखना, बहुत ही सिंपल सा लिख दिया था, ग्रेटर द थीटा ग्रेटर विल बी पोटेंशियल एनर्जी। तो देखते हैं इसमें थीटा क्या है बच्चों। यहाँ पे देखना डायपोल कैसा है, माइनस टू से प्लस टू, दिस इज द डायपोल मोमेंट, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा वन कितना है? 60 डिग्री। व्हाट इज थीटा टू बच्चों? थीटा टू क्या?
30 डिग्री है? नहीं, थीटा 2 जो है यह है 150 डिग्री, ये वाला एंगल, दिस इज थीटा 2. व्हाट इज थीटा 3? ये तो 90 है. व्हाट इज थीटा 4? थीटा 4 कितना है? ये वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर 135 डिग्री है ना. सो बच्चों सबसे लिस्ट कौन सा है? बच्चों सबसे छोटा एंगल कौन सा है? मुझे तो 60 डिग्री दिख रहा है. तो वन इज लिस्ट, वन से बड़ा कौन सा है? 60 डिग्री के बाद कौन सा आ रहा है? 60 के बाद आ रहा है बच्चों 90 मतलब थर्ड. और थर्ड से बड़ा कौन सा है बच्चों? 90 से कौन बड़ा है? 135 या 50? तो हो जाएगा 135, 4. और 4 से भी बड़ा कौन सा है? सेकंड. बच्चों कितने लोगों ने सही सही सॉल्व किया? हाथ उठाओ एक बार, हैंड रेज करो, देखते हैं कितने लोगों ने. चेतना ने सही की, ईशान, जामरे, समृद्धि, बहुत बढ़िया समृद्धि, तीन ही, प्रणव पगारे 4, मल्ली 4, शाइमा कहाँ गई? सर वो गलती हो गई, थोड़ी सी गलती हो गई. पार्थ पाटिल, सार्थक, अथर्व ने प्लस माइनस में गलत कर दिया. अच्छा कितना सिंपल सा हमने फॉर्मेट बता दिया था. देखो ये हिंट था ना, कितना सिंपल सा था. अभी क्या सबको क्लियर हुआ? हर्षवर्धन, यस सर, यस. तो मैंने पहले भी बोला था बच्चों कि ये आईआईटी का पूछा हुआ सवाल है, तो थोड़ा सा तो ध्यान दोगे ना. आईआईटी एकदम से हल्के तो नहीं पूछता है, ठीक है. तो लेकिन आईआईटी ने जब पूछा था ये, तो ये कंसेप्ट पूछा था मैग्नेटिज्म में, तो डायपोल में पूछ सकता है, डायपोल में वही है. तो ओरिजिनली आईआईटी ने जो पूछा था वो मैग्नेटिज्म में पूछा था, मैग्नेटिक डायपोल पे सवाल पूछा था. क्या लग रहा है बच्चों, अभी इलेक्ट्रिक डायपोल और चलेगा? नेक्स्ट लिखो बच्चों, फोर्स ऑन डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. फोर्स ऑन डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. बच्चों एक डायपोल रखा है माइनस क्यू और प्लस क्यू का, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ऐसा है, इधर है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है बच्चों, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को ना ई प्लस लिख देता हूं. कहने का मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस है, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज ई माइनस, माइनस क्यू चार्ज पे लग रहा है, मतलब या ईवन ई टू ईवन भी लिख सकते थे, ईवन ई टू. अब बच्चों इस पे हम लोग फोर्स लिखे, बच्चों में तो फोर्स लिखना है ना, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? क्यू प्लस क्यू इंटू ई प्लस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट प्लस चार्ज, वेक्टर लिख देता हूं, माइनस क्यू, चूंकि निगेटिव चार्ज पे फोर्स सीधा लगेगा, माइनस क्यू इंटू E माइनस चार्ज. E टू ईवन में लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो,
ये हो गया फोर्स, मतलब q इंटू बच्चा, इसका मतलब ये हुआ, ये इसको बोल सकते हैं बच्चों q क्या है, ये क्या है, यहां से यहां गए तो ये फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैन वी से दिस इज द डेल्टा ई बच्चों, कैन वी से दैट फाइनल माइनस इनिशियल। अब ये डेल्टा ई है ना, एक काम करता हूं यहां से यहां डिस्टेंस जो है ना वो डेल्टा आर ले लेता हूं, यहां से यहां का डिस्टेंस तो डेल्टा आर से डिवाइड कर देता हूं और डेल्टा आर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सो ये क्या हो जाएगा क्यू इंटू डेल्टा आर, व्हाट इज दिस क्वांटिटी, पोटेंशियल। अब बच्चों डेल्टा ये बहुत छोटा होता है, तो बहुत छोटा है तो कैन बी राइट दिस इज डी बाय डी आर, इज इट क्लियर, बच्चों क्लियर ये, यस सर, P into D by dr, this will the electric force, अब सवाल ले लेता हूं एक, बच्चों एक पॉइंट चार्ज q है और इससे r डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है p, r डिस्टेंस पूछेगा फाइन, पहले मैं बता रहा हूं फिर जो दिमाग में आएगा बताना, फर्स्ट लिसन, फाइन फोर्स ऑन P dipole by point charge Q, बच्चों ये डायपोल जो रखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है क्या, नहीं है, नहीं नहीं है, सो हमें ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा नॉन यूनिफॉर्म में, इसमें बता सकते हैं कि जो फोर्स लगेगा बच्चों ये रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव, गुड बच्चों, देखते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर रहा है, तो हमने अभी अभी थ्योरी डेवलप किया एफ फिजिकल टू आ जाएगा वन डायमेंशन हियर, तो P इंटू डी बाई डी आर, डी बाई डी आर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों K Q अपॉन आर स्क्वायर, इज इट क्लियर, सो P इंटू के क्यू वन बाई आर स्क्वायर का हो जाएगा बच्चों माइनस टू अपॉन आर क्यू, माइनस टू के पी क्यू अपॉन आर क्यू, दिस इज द फोर्स, माइनस साइन क्या बता रहा है, डायरेक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स डायरेक्शन बता रहा है, इज इट क्लियर, अब तुम लोगों से कुछ इनपुट चाहूंगा बच्चों, इसको दूसरे तरीके से सॉल्व किया जा सकता है क्या, क्या मुझे ये थ्योरी जानना जरूरी था क्या, बिना जाने हुए सॉल्व कर सकते थे क्या, क्या न्यूटन्स थर्ड लॉ तुझे आता है,
यस सर। मुझे बच्चों इसके कारण क्यू पी पे कितना फोर्स लगा रहा है ये निकालना है, तो क्यू के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करा, बट अगर मैं निकाल दूं कि ये डायपोल इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, अगर ये हम काम कर लिए तो बात वही रहेगी न्यूटन थर्ड लॉ से। बच्चों ये पी इस पे कितना फोर्स लगा रहा है ये तो मैं बहुत आराम से बता दूंगा। कैसे बताऊंगा? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डायपोल, क्या होता है बच्चों? के इंटू टू पी बाई आर क्यू। आ रही बात समझ में? पी के डायरेक्शन में इधर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा कितना, इतना, और ये चार्ज बच्चों क्यू है, तो क्यू इंटू ई दैट इज इक्वल टू 2k p into capital Q upon R Q। एक सेकंड में सॉल्व हो गया कि नहीं बच्चों? समझ में आया? दिमाग खुला यहाँ पे? हाँ सर। तो ये थ्योरी जानने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कहोगे सर जब नहीं थी तो क्यों बता दिया बेकार में, दिमाग भर दिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सर वो आखिरी में क्या लिखा है? ये लिखा है अट्रैक्टिव। अच्छा नोट्स अच्छे से करो, दोबारा पढ़ोगे ना तो बहुत कुछ समझ में आएगा, और सेम डे ही पढ़ लो, ट्राई कर लो। कुछ बच्चे को लग रहा सर बेकार में ये सब पढ़ा दिए, इतना ये तो बड़ा आसान से सॉल्व हो गया था, ये वाला मेथड क्लियर हुआ ना, और यही मेथड से सॉल्व करना है जो अभी किया। लेकिन बच्चों अगर ऐसा पूछ दिया ये P1 और ये P2, आप क्या करोगे? ये दो डायपोल P1 और P2 रखे हुए हैं, व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय वन डायपोल ऑन अनदर डायपोल? ओके बच्चों, सो अब इसमें जो हमने पढ़ा था बच्चों उसके उसका काम आ जाएगा। इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, तो E कितना हो जाएगा? 2k P1 upon R cube। तो बच्चों फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा P2 into D upon DR। सॉल्व करो बच्चों, P2 into D by DR हो जाएगा बच्चों माइनस सिक्स के पी वन अपॉन आर टू दी पावर फोर। सो माइनस सिक्स के पी वन पी टू अपॉन आर टू दी पावर फोर, दिस इज द फोर्स बच्चों। तो ये सारे बहुत ही अच्छे सवाल हैं, जेई डबल ई एडवांस में पूछा जा सकता है, जेई डबल ई मेन में भी पूछा जा सकता है। मेन में आएगा तो ये टफ सवाल कहलाएगा। सर बोलो ने सर, लास्ट क्वेश्चन में हमने जो पहले इसमें सॉल्व किया तो अट्रैक्टिव ऐसा हमें पता चल गया, फिर इसमें अट्रैक्टिव चलेगा सर जब हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे? अट्रैक्टिव है ना इसके पिछले क्वेश्चन में सर? क्या है सर वो बोल रहे माइनस माइनस साइन इसलिए अट्रैक्टिव है। क्या दिक्कत आ रही? क्लियर हुआ क्या नयन? यार तो 9 बज गया,
हमारा थ्योरी डायपोल भी खत्म नहीं हुआ। बच्चों इसको ऐसे निकाल लिया, शुड वी गो टू अनदर मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस? बच्चों ये P1 है और ये P2 था, अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं बच्चों? P डॉट E। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए P2 डॉट E। E कितना होता है? 2 के पी वन अपॉन आर माइनस माइनस पी डॉट। बच्चों फोर्स क्या होता है? माइनस डी यू अपॉन डी आर। कर लोगे आ जाएगा यही चीज, सेम आ जाएगा, दिस इज अल्टरनेट मेथड। माइनस पी डॉट ई, तो ई और ये तो कॉस जीरो वन हो गया था। अगर बच्चों इसको उल्टा कर दोगे तो 180 रहेगा, तो ये प्लस हो जाएगा, फोर्स अट्रैक्टिव हो जाएगा, रिपल्सिव हो जाएगा। बच्चों आज डायपोल खत्म ही कर देते हैं। तो हमने दो डायपोल का इंट्रैक्शन भी पढ़ लिया बच्चों। नेक्स्ट इज जब एक से ज्यादा डायपोल हो बच्चों, मल्टीपल डायपोल्स, तो हमें नेट डायपोल निकालना है। क्या करेंगे? वेक्टर समेशन। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल वर्टिसेस पे बच्चों चार्ज रखा हुआ है माइनस टू क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, साइड लेंथ ए है बच्चों। दिस कंस्टिट्यूट हाउ मेनी डायपोल्स? टू। एक माइनस क्यू इसका ले लो और एक प्लस क्यू, तो एक डायपोल ये हो गया बच्चों और एक माइनस क्यू जो बचा हुआ है इसके साथ दो डायपोल, एंगल है 60 डिग्री। What is the net dipole moment of the system? तो एक सपोज P1 जो है वो कितना है? Q into A का है। तो net dipole moment हो जाएगा बच्चों इसका summation दो वेक्टर का, इसको resolve ही कर लो, P1 cos 30 और P1 cos 30 वेक्टर summation 2 P1 cos 30 2 into P1 is Q into A into cos 30 is root 3 by 2 root 3 QA. This is the net dipole moment बच्चों। बात समझ में आई net dipole moment का? अब मुझे एक हिंट दे दिया तो आगे बताने की जरूरत नहीं है कि सिस्टम जो भी रहेगा दो तीन चार चार्जेस रहेंगे तो कैसे डायपोल मोमेंट निकालना है।
पूछेगा बच्चों किसका डायपोल मोमेंट कितना है, इसका डायपोल मोमेंट इसको बहुत सारे डायपोल से मान सकते हो, कैसे माने बच्चों? सर टू क्यो वाला एक और क्यू क्यो वाला एक। हाँ, इसको कह सकते हो कि एक डायपोल ये है और एक डायपोल ये है, ठीक है ना। कोई इसको ऐसा भी मान सकता था कि ये माइनस क्यू प्लस क्यू एक डायपोल ऐसा, ये माइनस क्यू प्लस क्यू एक डायपोल ऐसा, और एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू इधर रखा एक डायपोल ऐसा, जैसे भी मान लो। नेक्स्ट सवाल, जेई लेवल का सवाल। अच्छा, एक रिंग है जिसके हाफ पार्ट पे प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है या लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, और दूसरे हाफ पे माइनस लैम्डा का चार्ज डेंसिटी है, एंड इसका रेडियस सपोज आर है बच्चों। क्या इसको मान सकते हैं कि दिस विल बी इलेक्ट्रिक डायपोल? क्या माना जा सकता है? इफ यस, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक डायपोल किस डायरेक्शन में होगा? आई कैप जे कैप के कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप आई कैप प्लस आई कैप। मुझे निकालना है बच्चों कि फाइंड द इलेक्ट्रिक डायपोल डायपोल मोमेंट ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन। आज का लास्ट सवाल। नहीं यार, एक दो चीज और पढ़ाना रह गया, डायपोल ही नहीं फिनिश हुआ, दो लेक्चर्स हो गए। बच्चों देखो, बुकलेट का H7 देखो, लिखा है द फोर्स बिटवीन टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। बच्चों इसका कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, क्योंकि टाइम भी हो गया। बच्चों दो तरीका है, एक तो ऐसा लेते हैं कि यहां से, सारे बच्चे देखना बहुत टफ नहीं है, यहां से थीटा एंगल पे डी थीटा का पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, और ऐसा यहां भी ले लेते हैं, तो कैन बी से कि ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, दिस विल कंस्ट्रक्ट इलेक्ट्रिक डायपोल इन दिस डायरेक्शन। वट विल बी द डीपी? I cap में है, तो कहेंगे सर चार्ज कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा बच्चों चार्ज लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा, दिस इज द चार्ज। माइनस क्यू प्लस क्यू के बीच में डिस्टेंस कितना है बच्चों, सो ये आर कॉस थीटा, ये आर कॉस थीटा, टू आर कॉस थीटा,
Is it clear to all? बच्चों सबको क्लियर? यस सर. लैम्डा आर स्क्वायर टू इंटू कॉस थीटा डी थीटा, इसको इंटीग्रेट करेंगे. लिमिट कहां से कहां पुट करें? माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू. क्या डायपोल मोमेंट निकल गया? हाँ सर, निकल गया डायपोल मोमेंट. बच्चों मैं इससे पूछ दूं, सवाल कैसे आ सकता है? आईआईटी मैंने कहा जी एडवांस लेवल का सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है. बच्चों इससे सेंटर से आर डिस्टेंस पे यहां पे कहेगा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे दिया रहेगा आर इज मच मच ग्रेटर देन कैपिटल आर. मतलब ये कहना चाह रहा है कि इसको इलेक्ट्रिक डायपोल मान लो, एक एक इलेक्ट्रिक डायपोल इसका आ जाएगा और इस डायपोल के कारण बच्चों यहां पे फील्ड निकालना है. कैन वी फाइंड दिस? जिसको ये समझ में आ गया बच्चों ये तो निकालेगा, जिसको नहीं समझ में आया कि इलेक्ट्रिक डायपोल से निकालना है तो बड़ा मुश्किल होगा. ट्राई करना विदाउट दिस कॉन्सेप्ट कैसे होगा. सो बच्चों ये जय एडवांस लेवल का सवाल. इज इट क्लियर? बच्चों पूछेगा इसके कारण जेड एक्सिस पे यहां पे फील्ड, यहां पे फील्ड, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है. फिर से ये रहेगा कि जेड जो है दैट इज मच मच ग्रेटर देन कैपिटल आर एंड यू कैन फाइंड दिस. सो दिस इज एक्सलेंट सम बच्चों. तो हम बहुत ही अच्छे सवाल के साथ एंड कर रहे हैं आज का सेशन. क्वाड्रोपोल बचा रह गया बच्चों, और हालांकि बुकलेट के सारे सवाल सॉल्व होने चाहिए. ठीक है, और दर्शना जो तूने सवाल पूछी थी तो उसमें क्या होता है कि सपोज अभी कोई डायपोल ऐसा है और ये ऐसे करके ऐसे आ गया तो कितना वर्क करना पड़ेगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से ऐसे अगर आता है ना, तो अभी पोटेंशियल एनर्जी कुछ है, यहां पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा. ठीक है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस से चीजें निकालने के लिए कहेगा. ठीक है, ऐसे सवाल होगा कि ये थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे छोड़ दिया, मैंने सवाल ले रहा था बट फिर कुछ और बताने लगा तो छोड़ दिया. ऐसे डायपोल है, पूछा छोड़ दिया, इसको रिलीज कर दिया. व्हेन इट विल रीच हियर व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी? ओके, तो क्या करना है, ये पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, ये पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा इज इक्वल जीरो. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगा, तो हाफ उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, दैट मींस यू आई माइनस यू एफ. इज इट क्लियर? यस सर. तो बच्चों ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर, वर्क पावर एनर्जी हम लोगों ने पढ़ा है. तो नाउ डायपोल के सारे सम्स नेक्स्ट क्लास में बच्चों अटेम्प्ट जरूर कर लेना है.